हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, नेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन दोस्तों हम दो पार्ट में बांट सकते हैं एज जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। 90% पार्ट जो होता है दोस्तों वो होता है हायर एजुकेशन की हिस्ट्री से, और 10% पार्ट जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स से। जैसे कि कोई नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंडियन गवर्नमेंट ने खोली है, हर साल कॉलेजेस की रैंकिंग होती है, ठीक है, या हर साल यूनिवर्सिटीज़ के नंबर एंड कॉलेज के नंबर चेंज होते हैं, किस स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कहाँ नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन ये आ जाते हैं हायर एजुकेशन के करंट अफेयर्स में। बाकी सब जाता है जो हायर एजुकेशन की हमारी हिस्ट्री है। आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो यहाँ तक पहुँचने में जितने भी कमीशंस या कमेटी रही है उनकी हिस्ट्री के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दो पार्ट है, एक करंट अफेयर और एक हिस्टोरिकल पार्ट हायर एजुकेशन का। आज का जो वीडियो है हमारा वो हिस्टोरिकल पार्ट से रिलेटेड है हायर एजुकेशन के। हायर एजुकेशन के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। हाल ही में हमने 3 वीडियो करे थे जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर थे, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें नोट करके ज़रूर रखिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये क्वेश्चन मैंने फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स से लिया है, इसके ऊपर हम वीडियो कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ इसका। सबसे ज़्यादा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों उत्तर प्रदेश और दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जिस स्टेट में हैं वो है राजस्थान। इन सब के नंबर्स मैंने अपने वीडियो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली में सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कितने नंबर हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, कंप्लीट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर। तो UGC का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो किस ईयर में पास हुआ था? दोस्तों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें 1956 और 1953 में, ये मैं आपको बताती चलती हूँ। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो 1956 में आया था, तो सही आंसर इसका ये है। कौन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? 1956 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से UGC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना है। बाकी सबसे पहला इनॉग्रेशन इसका 1953 में हुआ था। किसने किया था? हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने 1953 में इसका इनॉग्रेशन किया था। नाम आप लिख करके उनका ज़रूर बताइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन्हीं के बर्थडे पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी वीडियो में है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा उसे, ठीक है। तो 1953 में फर्स्ट टाइम इनॉग्रेशन किया था इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने UGC का। बाकी ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना है? 1956 में बना है। और साथ ही ये बता दूँ किसकी रिकमेंडेशन पर UGC बना है? 1944 में जो सार्जेंट रिपोर्ट आई थी उनके रिकमेंडेशन पर ये बना है। खैर चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है अलग तरीके से। तो हायर एजुकेशन को कौन मेंटेन एंड रेगुलेट करता है? वो UGC करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, इनमें से किसका दूसरा नाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है दोस्तों? तो आपको बता दूं मैं, सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। 1917 में ये इस कमीशन आई थी, तो आप डेट सॉरी ईयर भी इसका नोट करके रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर ऑफ 10+2+3 सिस्टम। तो 10+2+3 सिस्टम क्या है? 10 तक की एजुकेशन, फिर आपका सॉरी 11th 12th आ जाता है यहाँ पर। 2 ईयर्स डिनोट द 11th 12th आपका, ठीक है, हायर सेकेंडरी को डिनोट करता है। 3 होता है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये किसने रिकमेंड किया था कि इंडियन एजुकेशन को हमें ये 3 पार्ट में डिवाइड करना है, अप टू 10, फिर 2, फिर 3? दैट इज़ द सैडलर कमीशन ने ही ये रिकमेंडेशन दी थी,
ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड सेटिंग अप द UGC एंड इज ऑल्सो एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. ठीक है, तो कौन सा एजुकेशन कमीशन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहलाता है, और उन्होंने भी रिकमेंड किया था UGC के फॉर्मेशन को, तो दैट इज़ द राधा कृष्णन कमीशन. ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि UGC जैसी के एक संस्था बननी चाहिए, और उसी का दूसरा नाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी है. कब आई थी ये? 1948 से 49 इसको ईयर माना जाता है. ठीक है, चलें खैर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज हेडेड बाय. नेशनल नॉलेज कमीशन के ऊपर पूरा एक वीडियो किया हुआ है हमने, क्या है ये कमीशन, कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री, कि कौन इसके हेड थे, सब कुछ हमने वहाँ पर बताया हुआ है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं. तो इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा. सैम पित्रोदा जो है नेशनल नॉलेज कमीशन को हेड कर चुके हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया. तो इनमें से कौन सा रिपोर्ट या डिस्पैच आप कह सकते हैं फर्स्ट पॉलिसी मेकिंग हायर एजुकेशन में कहा जाता है, मतलब हायर एजुकेशन की पहली पॉलिसी किसके अकॉर्डिंग बनी है. ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे. तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर होगा वुड्स डिस्पैच. ठीक है, वुड डिस्पैच कब आया था? 1937 में आया था. ये सारे कमीशन्स के ऊपर हम लोग वीडियो कर चुके हैं 2019 की जो हम तैयारी कर रहे थे उसमें, आप चाहे तो इसके वीडियो जा कर के देख सकते हैं. हालांकि हम लोग फिर से ये वीडियो लेकर के आने वाले हैं डिटेल में हर एक कमीशन के ऊपर बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग. तो चलिए खैर अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट है द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है. तो दोस्तों ये जो सार्जेंट रिपोर्ट है 1944 में जो आई थी, मैंने अभी आपको बताया था जब हम UGC की बात कर रहे थे, उसी का दूसरा नाम ये है पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया ये. ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट. ठीक, चले आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं और फिर डिसाइड कीजिए. मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ. दैट इज़ द टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन. ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, और कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की हर एक क्वेश्चन के. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर्स को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले पूछा था. दोस्तों फर्स्ट टाइम UGC का इनॉग्रेशन किसने किया था, अभी मैंने आपको बताया था 1953 में हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने, दैट इज़ द अबुल मौलाना अबुल आज़ाद. ठीक है, तो दोस्तों उन्हीं के बर्थडे पर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है. कब आता है उनका बर्थडे? नवंबर 11 को. तो नवंबर 11 को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थडे है किसका? हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर का बर्थडे है नवंबर 11, और इसीलिए हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, और कब से सेलिब्रेट करना शुरू करा है हमने? ये 2008 से शुरू करा है. ठीक है, और रिलेट करते रहिए इसको, उन्हीं ने जो है UGC को फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट किया था 1953 में, और उसके बाद 1956 में जो है पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू UGC को एक स्टेचुटरी बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया. ठीक है, तो होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे क्वेश्चंस, और आने वाले समय में इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.